नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। प्राचीन काल में मनोहर नगर में पेठत नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। वह माता भगवती दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी एक बहुत ही सुंदर कन्या थी जो संपूर्ण सद्गुणों से युक्त थी। उस कन्या का नाम सुमति था और वह अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे कि चंद्रमा की कली बढ़ती है। उसके पिता प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा करके हवन किया करते थे और उस समय वो भी वहाँ उपस्थित होकर अपने पिता के साथ पूजा करती। एक दिन सुमति अपनी सहेलियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हो पाई। उसके पिता को अपनी पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपनी पुत्री से कहा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र के साथ तेरा विवाह करूंगा। अपने पिता का ऐसा वचन सुनकर सुमति को बहुत दुख हुआ और उसने अपने पिता से कहा, हे पिता, मैं आपकी ही कन्या हूँ और सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। आप चाहे मेरा विवाह किसी से भी कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा अटल विश्वास है कि हम जैसा कर्म करते हैं हमें उसी के अनुसार फल मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देना ईश्वर के अधीन है। अपनी कन्या के इस प्रकार के वचन सुनकर ब्राह्मण ने गुस्से में अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ कर दिया और बहुत क्रोधित होकर अपनी पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो और देखते हैं तुम अपने भाग्य के भरोसे रहकर क्या कर पाती हो। पिता के ऐसे कड़वे वचन सुनकर सुमति के मन में विचार आने लगा कि मेरा बहुत दुर्भाग्य है कि मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और उन्होंने उस वन में वह रात बहुत ही कष्ट से बिताई। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर माता भगवती उसके पूर्व पुण्य कर्मों के प्रभाव से प्रकट हो गई और उन्होंने सुमति से कहा, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे जो चाहे वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति ने कहा, आप कौन हैं? वह मुझे बताएं। यह सुनकर भगवती देवी ने कहा, मैं आदिशक्ति भगवती हूँ, मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों के दुख दूर कर देती हूँ और उनको सुख प्रदान करती हूँ। मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्मों के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म में तुम एक भील की पत्नी थी और बहुत ही पवित्र औरत थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुमको और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिनों तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। इस प्रकार माता दुर्गा के वचन सुनकर सुमति ने कहा, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। देवी ने कहा, उन दिनों जो व्रत तुमने किया था उस व्रत का 1 दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से
तेरे पति का कोढ़ दूर हो जाएगा। इस प्रकार के वचन सुनकर सुमति बहुत प्रसन्न हुई और उसका पति निरोग होकर बहुत ही सुंदर और कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की ऐसी काया देखकर देवी की स्तुति करने लगी और कहने लगी, आप दूसरों की दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोगों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होकर मनवांछित फल देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। मुझ निरअपराध अबला को मेरे पिता ने एक कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता के तिरस्कार से मैं वन में घूम रही हूँ और अब आपने मेरा उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप मेरी रक्षा करना। सुमति की ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उसको अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा ऐसा वर दिया। तो इस प्रकार देवी भगवती ने सुमति पर कृपा करी। जैसी कृपा माता ने सुमति पर करी, ऐसी कृपा वो सब पर करे। जय माँ दुर्गा।